हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो मैंने पेपर वन का डिस्कशन किया था और बताया था कि पेपर वन में जो यूपीएससी के आंसर की है और कोचिंग आंसर की में कितना सारा डिफरेंस है। आज मैं यूपीएससी सीसेट के जो पेपर हुए थे उनके एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि मोर देन 8 क्वेश्चंस डिफरेंट थे कुछ रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर के आंसर की से, और कुछ आंसर की से तो 12 to 13 भी डिफरेंट हो जाते हैं अगर सबको आप काउंट एक साथ कीजिएगा। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूपीएससी का वेरिएंस आया है और कौन कौन सा क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट ना करें या इस क्वेश्चन का ध्यान रखें। चलो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के रिलेटेड है कि इनइक्वालिटी वायलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक। मैं इसे पूरा पढ़ाने नहीं चाहूंगा, उससे वीडियो लेंथी होगा और अभी मुझे नहीं लगता है कि आपको इसकी जरूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूपीएससी का आंसर की सी है और कोचिंग आंसर की ए था। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो सही था कि इक्वालिटी इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस। बट अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें ये लोग बोल रहे थे कि ए है, मतलब ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये स्टेटमेंट से मुझे नहीं लगता है कि क्लियर था कि ये डेट्रीमेंटल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वन सही है तो 4 होने का चांसेस ज्यादा था, जिसमें लिखता है कि राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू आर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी। तो ये एक कॉम्प्रिहेंशन था जहां पे मोटा मोटी आप आंसर ला सकते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखो, ये कह रहा था ना कि ईच ऑफ ए एंड डी, मतलब अगर ए एंड डी जो है ये दोनों हैवियर है बी ई एफ से, तो यहाँ पर कोचिंग आंसर किया था कि अगर जब ये हैवी है मतलब इसमें से कोई भी हैवियस्ट नहीं है तो ऑफकोर्स सी को हैवियस्ट होना चाहिए था। बट यहाँ पे आंसर की सी और डी आया है जबकि ए आंसर होना चाहिए, जो अभी भी यही लगता है कि यही होना चाहिए। पर स्टिल अब यूपीएससी ने किया है तो एक चीज हमें ये भी देखना होगा कि मैथ्स के आंसर भी वैरी करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख, इसमें ना लोग बोल रहे हैं कि ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली, सिर्फ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट है। और ये लोग क्या आंसर बोल रहे हैं कि द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट आवर लाइफ्स इन फ्यूचर। तो इसमें इस फ्यूचर के में ऐसा अफेक्ट होगा कि नहीं होगा इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। सेकेंड और थर्ड होने का चांसेस बिल्कुल नहीं था, आपको वन और फोर में चूज करना था, तो वन होने के चांसेस ज्यादा थे जो यूपीएससी भी कह रही है। ये क्वेश्चन में देखो फिर से एक क्वेश्चन क्या है कि मैथ्स का क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्डिंग था कि फिफ्थ के बाद जो 50 सेंटीमीटर के बाद बॉल नहीं गिरेगा, तो उसमें वर्डिंग स्टेटमेंट में फिफ्थ और सिक्स्थ में डिफरेंस आ रहा था। कोचिंग ने सिक्स किया था बट जब यूपीएससी का आंसर किया है तो फिफ्थ आया है। अगेन यूपीएससी उस वर्ड को किस तरीका से इंटरप्रेट कर रही है उस वजह से आंसर वैरी कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी काफी मुझे झोल लगा क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो ये एक तरीका से किसी मैगजीन से डायरेक्ट उठाया गया है जो कल मैं पढ़ रहा था उस मैगजीन को, तो उस वजह से ही उन्होंने इसका आंसर बी रखा है कि लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। बट अगर आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से ए या डी मारने का चांसेस ज्यादा था। तो यहाँ पे फिर वही है कि यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन है और आप ज्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते। ओके, इसमें जो है मुझे सही लगा कि यूपीएससी ने जो इस आंसर को की को डी माना है कि डिसएग्रीमेंट अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ, ये सही होना चाहिए ना कि अग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, क्योंकि डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज ही तो पढ़ रहा था। देखो यहाँ पे लिखता है कि एक्सेप्ट परहैप्स इन सर्टेन स्पेशल कंडीशन वेयर मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ, तो उस इन्हें उस डिसएग्रीमेंट को दिखा रहा था कि कब सच बोलने से भी फायदा होता है और झूठ बोलने से, सच बोलने से नुकसान हो सकता है लेकिन झूठ बोलने से तो नुकसान को बचाया जा सकता है, तो एक डिसएग्रीमेंट को शो कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ यूपीएससी का आंसर की बिल्कुल सही है और आपको भी इसको मारना चाहिए था। अब ये स्टेटमेंट में देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इस अप्रोक्स ये आ जा रहा था कि x माइनस y इज इक्वल टू 6 आ रहा था, तो डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट कैन बी डिटरमाइंड। हाँ ये तो हो रहा था बट ये आई थिंक ओनली के वजह से गड़बड़ हो रहा है कि द सम ऑफ द टू डिजिट कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट, तो उसमें कुछ डाउट था इसलिए शायद इसमें इसका आंसर की बी आया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे तो सही में सही लग रहा था कि यार बी तो क्लियर कट है कि एबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड इजियर एंड चीपर विदाउट डाइल्यूटिंग द कंटेंट। तो ये लोग बोल रहा था ना कि कुछ ऑनलाइन मीडिया ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबको प्रोवाइड करो, जो हार्वर्ड से एमआईटी कर रही है, तो अच्छा ना है, उससे कंटेंट चीपर हो जाएगा, डाइल्यूट नहीं होगा। बट ये लोग पता नहीं क्यों कैसे आंसर की सी बोल रहे थे कि वी नीड टू इन्वेस्ट मच इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हायर एंड डेवलप, ये कहीं भी कुछ ये इस पैसे से नहीं था।
और पता नहीं यहाँ पे तो मैं सही में बोलूंगा कि इन्हें वर्क करने की जरूरत है, 3 दिन के बाद भी आप आंसर की लाते हैं, और एक इतना ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, इससे ओवरऑल क्या सबक मिलता है कि देखो 2 से 3 तो मैथ्स के भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और 4 से 5 आपके पैसेज के भी हुए हैं। तो पैसेज को 2 से 3 बार रीड कीजिए, जब अगर आप कंप्लीटली श्योर नहीं होते तो उसे छोड़ें, बट हाँ मैथ्स प्लस पैसेज दोनों को अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ अगर आप मैथ्स करते हैं और एक क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं तो वो भी आपको डीमोरलाइज कर सकता है, एग्जाम में प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। थैंक यू गाइज।